मैं इस ट्रेन को इसकी पूरी रफ्तार के साथ उस विशाल से बने हुए गड्ढे की ओर भेज रहा हूँ। हम अनगिनत कार्स को भी क्रैश करने वाले हैं और हजारों असली बमों को फोड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि एक कार पर 10 जेट इंजन लगाने वाले हैं ताकि आपको आज तक के सबसे कमाल के एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जा सके। और शुरू करते हैं घर के अंदर लगभग 1,00,000 पटाखे भरने से। प्लीज इसे अपने घर में बिल्कुल ना करें। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सभी बॉयज एक एक डमी को मेरे नए घर में छुपाने वाले हैं। देखते हैं वो बच पाते हैं या नहीं। पानी और आग मिलते नहीं है तो मेरा ये डमी जरूर बचने वाला है। मेरा वाला फ्रिज के अंदर है। जल्दी से घर के अंदर चलो। चलो इस घर को उड़ाते हैं और संभल कर, अगर गलती से इसे दबा दिया तो घर उड़ जाएगा। ओह माय गुडनेस। तुम्हारे मैनिकन कहाँ है? बाथटब, फ्रिज, वॉशर के नीचे। ट्रिक सामने ही है। ओह हाँ, वहीं पर बैठा हुआ है। ऐसी चीज आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। 5, 4, 3, 2, 1 धमाका किया जाए। ओह माय गॉड, क्या बात है। अरे वो घर कहाँ चला गया? मुझे तो वह नजर भी नहीं आ रहा। Oh my God! मुझे नहीं लगता हमारे मैनिक्विंस बच पाएंगे। और वो घर पूरी रात तब तक जलता रहा जब तक उसका एक भी कतरा नहीं बचा और उसके साथ सभी मैनिक्विंस भी जल गए। अगला एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन, असली मिलिट्री टैंक और इन दो स्कूल बसेस के बीच। हारने वाला गिरेगा इस गड्ढे में। टैंक तो बिल्कुल नहीं हारने वाला है। शायद हम हारने वाले हैं। नहीं हर किसी, जाहिर है कि लोग इन गाड़ियों में नहीं बैठ सकते क्योंकि गड्ढे में गिरकर वो मर जाएंगे। तो ये रिमोट इस टैंक को कंट्रोल करता है। ये लीगल लग रहा है। 3, 2, 1 चलो। ओके जाओ, शुरू करो। मैं अभी पूरी स्पीड में हूँ। तुम तो गए बॉयज। नहीं, वो गिरने वाली है। Oh my God! वो देखो, वो गिर रही है। हॉर्न की आवाज सुन रहे हैं आप? उनके हॉर्न्स बज रहे हैं। हम नीचे गड्ढे में जा रहे हैं ताकि उन बसेस का हाल देख सके। ओ नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे ऐसे नीचे नहीं देखना चाहिए। हिलना बंद करो। मैं कहाँ हिल रहा हूँ? ठीक है, हम गड्ढे में आ गए। ओ माय गॉड, इसका हाल तो देखो। बस को लगा ही कैसे कि वो टैंक को हरा सकती है। मुझे नहीं लगता लगा होगा। आगे इस वीडियो में देखिए, एक ट्रेन उस ट्रैक से आने वाली है और सीधे इस गड्ढे में गिरने वाली है। पर वैसा करने से पहले ये है पूरे $50,000 और इनके चारों तरफ है कई हजार किलो के TNT और ये है विल। कैसे दोस्तों, उस क्रेट को देख रहे हो? अरे नहीं। वो वाला बारूद इस बारूद का 1% भी नहीं था। हम यहाँ सेफ तो है ना? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, चाहे जितना भी खर्च कर लो पर इन 50,000 को बचा लो। चाहे कुछ भी इस्तेमाल करो, लकड़ी, ईंटें या फिर स्टील, पर इन पैसों को बचा लो। और उस TNT के फटने के बाद जितना भी पैसा बचेगा वो तुम्हारा। तो दीवारें बनाओ। ठीक है, तब तो ये 50,000 मेरे ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले विल ने इन पैसों के इर्द गिर्द 12 इंडस्ट्रियल वाटर कंटेनर्स को रखा और उनमें 9,000 लीटर पानी भर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि जिमी के TNT इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। और वैसा ही होगा क्योंकि इतने TNT का सामना ये कभी नहीं कर पाएगा। और इसी दौरान हम और एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हमारे पहले वीडियो में हमने कार में एक जेट इंजन लगाया था और वो कार 8 बसेस को पार कर पाई थी। तो इस बार हमने 10 जेट इंजन लगाए। देखते हैं 10 गुना दूरी पार कर पाएगी या नहीं। जब वो कार इस रैंप से होकर जाएगी तो सभी बसेस के ऊपर से होकर झाड़ियों में चली जाएगी। मुझे लगता है कि पहले बस तक ही जाएगी। हम कभी भी एक बात पर राजी नहीं होंगे। ये करंटली उस कार के अंदर ही हैं। तो जो कार देख रही है ये भी देख रहे हैं। क्रिस, hey! अच्छा, हमें हट जाना चाहिए। हाँ, हम रॉकेट कार भेज रहे हैं। ओह अच्छा। 3, 2, 1 जेट कार भेज दो। वो कार हमारी तरफ आ रही है। सिग्नल टूट गया है, शायद हमें भागना चाहिए। बस उसे सीधा ही कर रहा हूँ। वो, रुको रुको, सर वो देखो, रैंप तोड़ दिया। हम कामयाब हो गए हैं। हाँ, हमारी जेट कार ने आराम से सभी 12 बसेस को पार कर लिया और जमीन में गड्ढा भी कर दिया। जरा देखो ये इंजन कैसे बाहर आकर गिर गया। हाँ, अब भी धुआं निकल रहा है। धुआं आ रहा है। और अब हम वापस गड्ढे पर आ गए हैं। अगर हम इस गड्ढे में कूदते हैं पूरे 1,000 बॉल्स के ऊपर तो क्या हम बचेंगे? मैं जानना चाहूंगा। बोलन पकड़ो। क्या पकड़ूं? हम क्या कर रहे हैं? गुड बाय। ये कैसा निशाना है? अच्छा, हमारे पास और मैनिक्विंस हैं। क्या ये बचेगा?
हे जय जय ओ ओ ओ ओ ओ ठीक अंदर। हे जिमी, इसके अंदर कार डाले तो क्या होगा? अब जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। ये काम करता है। जाहिर है वो मैनेकिन नहीं बच पाया होगा। नेक्स्ट बेट, इस दौरान विल पूरी मेहनत करके अपने 50,000 को बचाने की कोशिश कर रहा है और सोचा नहीं था कि ये इन्हें बचाने में इतना सीरियस हो जाएगा। पिछले 5 दिनों में मैंने कुछ प्रोफेशनल हायर किए हैं और हमने पहले ही सिंडर ब्लॉक वॉल बना ली है और गद्दे भी डाल दिए हैं। हम दूसरी वॉल बनाने में जुट चुके हैं। अब डायनामाइट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया है। ऐसा करें तो मैं इस TNT को डबल कर देता हूँ और साथ ही तुम्हारे पैसों को भी। तो $1,00,000 और डबल TNT। हाँ, पर मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद। बेटे नाचते हैं।